जयदेश न्यूज में आपका स्वागत है। वाराणसी से मैं खुश रंगीना। इस समय हम सिग्रा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में मौजूद है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा सदस्यता सम्मेलन अभियान शुरू है 2024 और इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार नकवी साहब मौजूद थे और इसके अलावा राज्यसभा के जो मंत्री हैं दानिश अंसारी जी वो भी मौजूद हैं मुख्य अतिथि के तौर पे। और आइए जानते हैं अंदर किस तरह का प्रोग्राम है और उन्होंने क्या कहा। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में संपन्न हुआ बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्यता अभियान। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा आज दिनांक 6 अक्टूबर रविवार को 2 बजे सिग्रा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में सदस्यता अभियान सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने वक्फ अमिटमेंट बिल पर बात की और कहा कि मुसलमानों को घबराने की जरूरत नहीं है, इस बिल से वक्फ संपत्तियों को संवैधानिक रूप मिलेगा। वहीं राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने मुस्लिमों को विपक्षी पार्टी बड़गला रही है वोट के लिए ये बताया। वहीं उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर मुस्लिम को घबरा देती है, बड़गला देती है। इसी के बाद उन माल्य अर्पण किया गया। आइए सुनते हैं क्या कहा राज्य मंत्री और केंद्र मंत्री ने। भारतीय जनता पार्टी के लीडर जो पूरे दिलों जज्बे के साथ हर क्षेत्र में सक्रियता के साथ पार्टी के आधार को बढ़ाने, पार्टी को के सदस्यता को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे कुंवर भजनी साहब, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मेरे छोटे भाई दानिश आजाद साहब, अंसारी साहब, हमारे जिला पंचायत की अध्यक्षता पूनम मौर्य जी, आरिफ अहमद साहब, यूनुस हाशमी साहब, भाई जयेंद्र वर्मा जी और भी जितने मंच पर हमारे सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के मोर्चे के वरिष्ठ नेता जो बैठे हुए और यहाँ उपस्थित भाई और बहनों, भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी जिस तरह से कुंवर वासुदेव ने बताया कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और समाज के सभी वर्गों में भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता और सम्मान दिन दुगना रात दुगना बढ़ा है और इसी का नतीजा है कि 2 के अंक से 300 से ज्यादा के अंक गणित तक का सफल सियासी सफर है वो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया। आज पूरी दुनिया के सामने बहुत बड़ा संकट और कंटक का माहौल है, उथल पुथल का माहौल है, ऐसा माहौल है जिस माहौल में कि पूरी दुनिया जो है वो भारत की तरफ देख रही है। भारत जो है वो आज फिर से एक बार शांति, सुरक्षा और पूरे विश्व के सौहार्द की शक्ति पीठ के तौर से लोग उम्मीद की तरफ से देख रहे हैं और निश्चित तौर से नरेंद्र मोदी जी जहां पर मार्ग है वो उनका उनकी कर्मभूमि है। आज नरेंद्र मोदी जी की जो मजबूत शख्सियत है, नेतृत्व है, उस नेतृत्व के प्रति आज पूरी दुनिया जिस विश्वास के साथ, जिस उम्मीद के साथ, जिस यकीन के साथ देख रही है वो हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए, हर हिंदुस्तानी के लिए फख्र का विषय है, गर्व का विषय है। इनके लिए काम किया है लेकिन कुछ ऐसी पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, जो हमें मुसलमानों को, हम मुसलमानों को अपना हितैषी तो बताती है, हम मुसलमानों से मीठी चिपड़ी चुपड़ी बातें तो करती है लेकिन कभी भी उन पार्टियों में याद कीजिए हमारी तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया।
समाजवादी पार्टी का 2012 से लेके 2017 तक का जो कार्यकाल है याद कीजिए। इसी उत्तर प्रदेश में किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने इस उत्तर प्रदेश को दंगे की आग में झोंकने का काम किया, और उस दंगे की आग में किसके घर चले? आम गरीब मुसलमानों के घर चले। उन मुसलमानों के घर पे कौन सी राजनीति को किया, किस पार्टी ने सेकने का काम किया? ये समाजवादी पार्टी ने किया। और कांग्रेस पार्टी जो पूरे देश भर में अपने आप को मुसलमानों का हितैषी बताती है, इस कांग्रेस पार्टी ने हम मुसलमानों को दीमक की तरह खत्म करने का काम किया। दीमक की तरह हम मुसलमानों को खत्म करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। और आज अगर मोदी जी और योगी जी भारतीय जनता पार्टी अगर मुसलमानों को आवाज देने की बात करती है तो ये बात उन्हें खराब लगती है। आज अगर मोदी जी योगी जी भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को फ्री में इलाज देने की बात करती है तो ये बात कांग्रेस और सपा को बुरी लगती है। आज अगर मोदी जी योगी जी भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के मदरसों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ना चाहती है तो ये बात भी कांग्रेस और सपा को बुरी लगती है। अब ये बताइए, बहुत छोटी सी बात, इस्लाम भी पढ़े लेकिन अगर वही गरीब मुसलमान का बच्चा मैथ साइंस कंप्यूटर पढ़ के तरक्की की तरफ आगे बढ़ेगा तो इसमें क्या गलती है, इसमें क्या बुराई है, इसमें क्या गुनाह है? समाजवादी पार्टी के नेताओं के बच्चे तो बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ते हैं, विदेशों में पढ़ने जाते हैं, और बात जब आती है गरीब मुसलमानों की पढ़ाई की तो वो हमें पढ़ाई से पीछे रखना चाहते हैं।